नमस्कार, भाग्य की बात में आपका स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य संजीव शांडिल्य त्यागी। आइए सबसे पहले आज का पंचांग देखते हैं। आज संवत 2081 ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रातः 2:41 तक रहेगी। आज 2 जून 2024 रविवार का दिन है। आज रेवती नक्षत्र तथा आयुष्मान योग है एवं बवकरण है। आज चंद्रमा का राशि संचार सारे दिन मीन राशि से रहेगा। आज राहुकाल शाम 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। आज यम घंटक योग दिन में 12 बजे से दिन में 1:30 तक रहेगा। किसी भी नए कार्य को करने के लिए राहुकाल तथा यम घंटक योग इन दोनों समय का त्याग करना चाहिए। शुभ कार्य को करने के लिए आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:38 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। व्यापारिक कार्य को करने के लिए आज लाभ की चौगड़िया मुहूर्त प्रातः 5:38 से प्रातः 7:10 तक रहेगा। आज पश्चिम तथा उत्तर दिशा की यात्रा करना कंपटीशन, नौकरी, इंटरव्यू, बिजनेस, धार्मिक व घूमने के दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। डॉक्टरी सलाह, मेडिकल जांच तथा वैद्य की सलाह के लिए शुभ समय प्रातः 8:30 से प्रातः 10:48 तक, फिर दिन में 3:25 से शाम 5:40 तक रहेगा। कॉरपोरेट व कंपनी अफेयर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी सेपरेशन व सिविल मैटर से संबंधित मुकदमा दायर करने के लिए एवं वकील से मिलने के लिए शुभ समय सुबह 8:35 से प्रातः 10:48 तक रहेगा। आज अपरा एकादशी व्रत है। बृहस्पति देवता प्रातः 6:10 पर आज उदय हो जाएंगे। अब बात करते हैं आज के 12 राशियों के राशिफल की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ व सौभाग्यशाली रहेगा। पिछले कुछ समय से चला आ रहा खराब स्वास्थ्य तेजी से ठीक होने की संभावना है। आज राशि इस मंगल ग्रह के अपनी राशि मेष में आने से आपका साहस तथा आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। पिछली असफलताओं को भूलकर भविष्य की योजनाओं पर कार्य को आगे बढ़ाएंगे। पिछले 1-2 इंटरव्यू में असफल रहे विद्यार्थियों को सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। आज उच्च अधिकारियों के साथ बॉन्डिंग बेहतर रहेगी। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार जाने की संभावना है। शुक्र बुध के एक साथ राशि में बैठने से स्वास्थ्य व आर्थिक दृष्टि से अच्छा दिन रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए बड़ी उपलब्धि आने की संभावना बनती है। बेरोजगार युवक युवतियों को करियर में बड़े अवसर मिलने की संभावना है। सत्ता पक्ष के किसी प्रभावशाली नेता से मीटिंग की संभावना बनती है। कार्य क्षेत्र में कार्य का वर्णन आज कम रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन शुभता से भरा रहेगा। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। धन संचय करने की योजना सफल होगी। अनाज का कारोबार करने वालों को अर्थ लाभ की संभावना बनती है। ब्लू चिप कंपनियों के शेयर में निवेश करने का उपयुक्त समय है। घर वालों की मदद से सेवा के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू करने की संभावना बनती है। बड़ी बहन के घर पर आगमन से परिवार में आज हर्ष व उत्साह का माहौल रहेगा। संतान की हायर स्टडी के लिए बैंक से लोन पास होने की संभावना बनती है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन खास रहेगा। आज सेहत अच्छी रहेगी। नया आत्मविश्वास जागृत होगा। कार्य क्षेत्र में कोई विशिष्ट उपलब्धि मिलने की संभावना बनती है। बेहतर पैकेज के साथ जॉब को चेंज कर सकते हैं। MBA, CBS, एयरफोर्स, नेवी के विभागों में अप्लाई करना भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। पिताजी द्वारा आपके नाम कोई प्रॉपर्टी लिखाई जा सकती है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष शुभता लाने वाला है। आज आपका मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य शानदार रहेगा। चंद्रमा के भाग भाव से भ्रमण के कारण मन में प्रसन्नता व नई ऊर्जा उत्पन्न होगी। कई क्षेत्रों में भाग्य का साथ आज आपको मिल सकता है। सफलता प्राप्त करने के लिए बड़ी योजनाओं पर कार्य करने का उपयुक्त समय है। राजनीति से जुड़े लोगों को महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विदेश में जॉब करने की संभावनाएं बनती हैं। जीवन साथी की किसी सरकारी विभाग में नौकरी लगने की संभावना है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन सावधानी से बिताने का दिन है। राशि से चंद्रमा के अष्टम भाव से भ्रमण के कारण मन में स्वास्थ्य को लेकर परेशानी व एंग्जाइटी हो सकती है। सार्वजनिक जगहों पर व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। कार्यस्थल का नकारात्मक माहौल आपको परेशान कर सकता है। महिला उच्चाधिकारी से बात करते समय सावधानी रखें।
संगीत व कला से संबंधित रचनात्मक कार्य करने का अवसर मिल सकता है। सामाजिक तौर पर आयोजित किसी प्रदर्शन में भाग लेने से आपको बचना उचित रहेगा। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन नई उम्मीद व नई ऊर्जा के साथ आ रहा है। आज स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, एक दो महत्वपूर्ण बातें होने की संभावना है। जीवन साथी के नाम से भूतकाल में किया गया निवेश बड़ा अर्थ लाभ ला सकता है। साझेदारी में किसी फैक्ट्री या कारखाने के शुरू होने की संभावना है। पुराने प्रेम संबंध फिर से रिवाइव हो सकते हैं। महिला उच्चाधिकारी से विशेष सहयोग प्राप्त हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। पुराना चल रहा विवाद आपके फेवर में समाप्त हो सकता है। हाउसिंग व कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित चुनाव में आपको कोई पद मिल सकता है। विरोधियों द्वारा किया गया आपके विरुद्ध षड्यंत्र निष्फल हो सकता है। कार्य शैली में किए गए बदलाव से आपकी वर्क एफिशिएंसी में सुधार हो सकता है। दोस्तों के साथ ट्रैकिंग करने के लिए पहाड़ों पर घूमने जा सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा। हड्डियों से संबंधित समस्या समाप्त हो सकती है। संतान का किसी प्रतिष्ठित स्कूल या कॉलेज में दाखिला हो सकता है। लवमेट के साथ संबंधों में निरंतरता बनी रहेगी। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन एक दो बातों को छोड़कर अच्छा रहेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन माताजी व मदर इन लॉ के स्वास्थ्य में कोई कमी आ सकती है। कोई पुरानी बीमारी उभर सकती है। पासपोर्ट व वीजा से संबंधित प्रक्रिया पूरी हो सकती है। लंबी यात्रा पर जाने से पहले हेल्थ इंश्योरेंस कराना बेहतर रहेगा। दोस्तों के साथ मौज मस्ती के लिए छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार जाने वाला है। आज स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, मनोबल व साहस बढ़ा रहेगा। शरीर में नई ऊर्जा व ताजगी महसूस करेंगे। छोटी बहन के विवाह में आ रही अड़चन दूर हो सकती है। बिजनेस का विस्तार उत्तर के किसी शहर में हो सकता है। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी का विशेष सहयोग प्राप्त हो सकता है। कृषि से संबंधित जमीन को खरीदने की संभावना बनती है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन पहले से बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य को ठीक करने की दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे, लेकिन राशि में राहु ग्रह की उपस्थिति से मन में किसी बात को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। राजनीति से जुड़े लोग षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। भाग्य की बात में आज इतना ही। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।